हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपारा मेडिकल स्टडी जनरल। तो चलिए हम आज जानते हैं फार्माकोलॉजी के पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, ठीक, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे। ठीक, तो उसमें आपको दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर का है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स बोल रहा था। इसमें से शॉर्ट नोट्स में एक आपको बता दी चुके हैं ओंडास्ट्रोम के बारे में, ओंडास्ट्रोम के बारे में बता चुके हैं। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से बोल रहा है कि किसी दो के बारे में लिखने के लिए। इसमें चार ऑप्शन है, ठीक, ओंडेंसेट्रोन के बारे में, ओंडेंसेट्रोन के बारे में, इंसुलिन के बारे में, एंटी ट्यूबर प्लस ड्रग के बारे में, और सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में, जिसमें से आपको ओंडेंसेट्रोन के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे इंसुलिन के बारे में, ठीक। तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं इंसुलिन के बारे में, ठीक। तो इंसुलिन क्या होता है इसके बारे में, तो इंसुलिन देखिए, इंसुलिन एक तरह का, पहले जान लीजिए, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक। और इंसुलिन एक प्रोटोनियस हार्मोन है, प्रोटीन के जैसा नेचर होता है इसका, हार्मोन है, इसलिए प्रोटीन क्या होता है हमारे मतलब पाचित हो जाता है हमारे शरीर में, क्या होता है, मुख के द्वारा लेने से पाचित हो जाता है, ठीक। प्रोटीन क्या होता है हमारे शरीर में, पाचित हो जाता है, इसलिए इंसुलिन पाचित हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुख के द्वारा नहीं लिया जाता, ठीक, उसके बाद इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है पेरेंटल, ठीक। तो इंसुलिन के बारे में जानते हैं, इंसुलिन इज एन एसेंशियल हार्मोन फॉर द कंट्रोलिंग ब्लड शुगर एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन। बोल रहा है कि ब्लड शुगर और एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए इंसुलिन एक क्या कहते हैं कंट्रोलिंग के लिए एनर्जी, मतलब इंसुलिन एक एसेंशियल हार्मोन है, आवश्यक हार्मोन है हमारे शरीर में ब्लड शुगर और एनर्जी को एब्जॉर्प्शन को कंट्रोलिंग करने के लिए इंसुलिन एक एसेंशियल हार्मोन, आवश्यक हार्मोन है, ठीक। उसके बाद इंसुलिन हेल्प कीपेड आवर ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम द गेटिंग हाई हाइपोग्लाइसीमिया और टू लो हाइपरग्लाइसीमिया, देखिए हाइपरग्लाइसीमिया हाई हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, लो हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, यानी हमारे शरीर में बोला है कि ब्लड शुगर को कम और ज़्यादा करने से बचाता है कौन सी, इंसुलिन बचाता है, इंसुलिन कीप हेल्प आवर बॉडी द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग हाई हाइपरग्लाइसीमिया और लो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक। तो ये उसके बाद आपको बता दिया कि इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, पेनक्रियाज से, ठीक। तो देखिए इन पेनक्रियाज में, ह्यूमन के पेनक्रियाज में क्या होता है, आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस सेल होता है, ठीक, वो पेनक्रियाटिक सेल होता है, ठीक। इसमें तीन तरह के सेल होते हैं मेनली, ठीक, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ठीक, अल्फा सेल, बीटा सेल्स और गामा सेल। तो अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकागोन को, ठीक, बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन को, और उसके बाद डेल्टा सेल क्या करता है, सीक्रेट करता है सोमेटोस्टेटिन को, ठीक। अल्फा सेल जो हमारे ग्लूकागोन क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को हमारे बॉडी में, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है। सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या करता है, दोनों अल्फा बीटा सेल को इनहिबिट कर देता है, ठीक, यानी ज़्यादा शरीर में हो जाएगा तो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, बंद कर देगा, तुम मत बनाओ, ज़्यादा हो गया है, ठीक, रोक देता है, ठीक। तो ये आपका आगे देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक। तो देखिए, यदि ब्लड के वेलरी ब्लड वेसल्स में क्या कहता है, ब्लड में लो ब्लड ग्लूकोज, यदि लो ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक, तो लो यदि ब्लड ग्लूकोज होगा ब्लड में तो क्या कहते हैं, पेनक्रियाज क्या करेगा, फिर पेनक्रिया आइसोलेट लैंगरहैंस सेल को क्या करेगा, लैंगरहैंस के अल्फा सेल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाएगा, और अल्फा सेल एक्टिवेट होकर क्या कहते हैं, ग्लूकागोन को बनाएगा, ग्लूकागोन क्या स्रावित करेगा, ग्लूकागोन क्या कहते हैं, लीवर को स्टिमुलेट करेगा, लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस चालू कर देगा, ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस चालू, लीवर ग्लूकोज का रिलीज करने लगेगा ब्लड में, और ग्लूकोज रिलीज ब्लड में करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, ब्लड में, ठीक, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल अटेंड, ठीक, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है तो उसको भी कम करना है, तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, ब्लड के पेलिन में है तो इस पेनक्रियाज को किसको सेल को, बीटा सेल क्या कहते हैं, इंसुलिन को बनाता है, तो बीटा सेल एक्टिवेट हो जाएगा, इंसुलिन रिलीज करेगा, इंसुलिन क्या करेगा,
पेरिफेरल टिश्यू सेल के पास जाएगा, उसको क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ देगा और क्या बना देगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी यानी एसिटाइल को एसिड बना देगा, एसिटाइल को एसिड से क्या क्रेब साइकिल चलेगा, ठीक, क्रेब साइकिल चलेगा, ठीक। उसके बाद कहते हैं, देखिए वो लिखा है, पेरिफेरल टिश्यू इज द सेल ऑफ द टेक ग्लूकोज फॉर ब्लड, टेक ग्लूकोज फॉर ब्लड यानी ब्लड में क्या कहते हैं, ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक, पेरिफेरल सेल के में, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंसुलिन को क्लासीफाई किया गया, देखिए कितनी तरह से इंसुलिन को क्लासीफाई, मेनली चार तरह से क्लासीफाई किया गया इंसुलिन को, ठीक, कौन कौन सा था, पहला शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कम छोटा समय के लिए, जैसे कि रोग रेगुलर लेना है, रेगुलर किसी को इंसुलिन दिया जाता है तो देखते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग के लिए, मतलब रोज रोज लेना पड़ता है, उसके रेगुलर इंसुलिन आता है, उसमें सोल्यूबल इंसुलिन आता है और न्यूट्रल इंसुलिन आता है, ठीक। उसके बाद एक इंटरमीडिएट, कुछ दिन बाद कुछ दिन, तो इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है आइसोफेन इंसुलिन, ठीक, और उसके बाद इंसुलिन जिंक क्या कहता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए, और लॉन्ग एक्टिंग के लिए क्या आता है, क्रिस्टलाइन इंसुलिन क्या आता है, लॉन्ग एक्टिंग के लिए। चौथा आपका रैपिड एक्टिंग में क्या आता है, रिपीट है, तो इंसुलिन ह्यूमोलॉग होता है, ये क्या होता है, हीमोलॉग होता है, इसको हीमोलॉग बोला जाता है। इंसुलिन एस्पार्ट इसको बोलते हैं नेबोलॉग बोला जाता है। उसके बाद आगे है इंसुलिन ग्लूलाइसिन एपिड्रा, ये क्या होता है, रैपिड इंसुलिन में आता है, ठीक। तो ये इस तरह के क्लासीफाई चार तरह से किया गया इंसुलिन, ठीक, देख लिया आपको इंसुलिन का मैकेनिज्म, कैसे ब्लड ग्लूकोज तोड़ता है, कैसे क्या होता है, ये समझ में आ गया, ठीक। तो यदि समझ में आ गया तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।